ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कमिंग अवर सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट और भी इंपोर्टेंट है। सेकेंड यूनिट क्या है? उसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? चार्ज का। चार्ज अब मूव कर रहा है, चार्ज अब दौड़ रहा है, चार्ज के पास एनर्जी है, चार्ज के पास काइनेटिक एनर्जी है, चार्ज के पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफिशियली वेलोसिटी है। चार्ज चल रहा है तो कुछ तो परेशान करेगा, क्या करेगा? उसके पास एनर्जी आ गई, उसके पास करंट आ गया। किस तरीके से करंट आएगी ये हमें समझ नहीं है। चलता हुआ चार्ज किस तरीके से करंट बनाएगा? एक मूविंग चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग द करंट। तो क्वेश्चन बनता है सर, किस तरीके से चलता हुआ चार्ज करंट बनाएगा? वो सीखेंगे। पहले हम टॉपिक को समझे, क्या क्या टॉपिक है। तो यूनिट सेकेंड, आई रिपीट, यूनिट सेकेंड, ये भी इसी का चार्ज का एक बिहेवियर है। कौन सा बिहेवियर है? मूविंग चार्ज का। इसके अंदर मूविंग चार्ज की नॉलेज मिलेगी आपको, मिलेगी, जरूर मिलेगी। देखो यहाँ पे यूनिट सेकेंड, यूनिट सेकेंड, फिर से यूनिट सेकेंड का और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका प्रैक्टिकल बिहेवियर बहुत ज्यादा है। किस तरीके से, थोड़ा इसको समझेंगे। सेकेंड यूनिट को हम बोलते हैं करंट। फिर से वर्ड्स को देखते चलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोलोगे इसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज व्हेनेवर द चार्ज इज मूविंग। आई रिपीट, व्हेन अ चार्ज इज मूविंग, चार्ज दौड़ रहा है। चार्ज क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। चार्ज दौड़ता दौड़ता गया, किसमें दौड़ेगा? वही रास्ता उसके लिए क्या? कंडक्टर। उसके लिए रास्ता क्या है? तो अलग से उसके लिए रास्ता नहीं बना हुआ है, वो कंडक्टर के अंदर दौड़ेगा। तो क्या करेगा? उसके लिए हमारे पास टॉपिक है। अगर चलता हुआ चार्ज करंट बनाता है तो हम करंट को समझेंगे। किस तरीके से समझेंगे वो देखो। यानी कि इसके अंदर हमारे पास है टॉपिक फर्स्ट, हम टॉपिक फर्स्ट को समझेंगे। टॉपिक फर्स्ट को चलता हुआ चार्ज, फिर से चलता हुआ चार्ज, चार्ज दौड़ रहा है, चार्ज दौड़ रहा है तो क्या बनाएगा? करंट। किस तरह का करंट बनाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक करंट। हम समझेंगे इसके बारे में, किस तरह के चार्जेस का है? मूविंग चार्जेस का। ओके, कोई बात नहीं। चार्ज चल रहा है तो चार्ज को कोई रोकेगा? चार्ज को कोई रोक रहा है, कौन रोकेगा? रेजिस्टेंस। तो हम इसके अलावा टॉपिक सेकेंड, हम और चीजों को समझेंगे। करंट, साथ में एक और चीज जो बच्चे गड़बड़ करते हैं, एंड इट्स फॉर्मेशन, यानी कि किस तरीके से चार्ज बनता है, किस तरीके से, सॉरी किस तरीके से करंट बनता है, किसके चलते? चार्ज के चलते, वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेजिस्टेंस। याद रहे, यही है दुश्मन किसका? चलते हुए चार्ज को रोकने का। चलते हुए चार्ज के रोकने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिलता है? इसको मिलता है, यानी इन दोनों की नहीं बनती है, इन दोनों की नहीं बनती है, नहीं बनती है पक्का, तो नहीं बनती है। और साथ में एक और इसका फ्रेंड है रेजिस्टेंस का, कौन है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको आप लोग रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हो। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आई रिपीट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दोनों फ्रेंड्स है। ये दोनों कोशिश करते हैं किसको? इसको रोकने को, चार्ज को रोकेंगे। भाई चार्ज की कमाई क्या है? चार्ज का इनकम है करंट, और ये क्या करता है? उसके इनकम को कम करेगा, उसके इनकम को कम करेगा। तो इनमें हो गई, यस। इसके बाद हमारे पास और भी चीजें आएगी। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग इसमें, जैसे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। आई रिपीट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, एनसीईआरटी क्या किया है? इसी के अंदर रेजिस्टेंस के साथ में ही ओम्स लॉ को बताया है। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में हम अलग अलग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक डिवाइस होगा जो ओम्स लॉ पे काम करेगा, जिसको हम ओम्स लॉ के नाम से जानेंगे। तो ओम्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, आई रिपीट, एंड देयर एप्लीकेशन। अच्छा, कौन सा एप्लीकेशन? मास्टर साहब को लिखने वाला? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को समझेंगे। एंड देयर लिमिटेशन, इसके भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ इसके लिए भी सीमाएं तैयार की गई है। भाई हर जगह काम नहीं करेगा, कुछ जगहों पे ओम्स लॉ काम नहीं करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटेशन के नाम से जानते हैं। जैसे सेमी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होता, यही लिमिटेशन से। हम इसके बारे में और समझेंगे, और डेप्थ में समझेंगे, डोंट वरी। इसके बाद हमारे पास कुछ और मेजरमेंट स्केल है जिसके बारे में आपको समझनी है, ये हमारे पास आ गया। क्योंकि इसके अंदर कुछ एरर्स मिलते हैं, अच्छे से ये रेजिस्टेंस नहीं काम कर पाता है, तो इसके लिए हमने कुछ और टॉपिक्स को आना चाहिए। जैसे एक टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, याद रखो। अरे भाई गॉड, ये क्या है अभी किरचॉफ्स लॉ? अरे डोंट वरी, एक साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ्स लॉ, इंडियन बोलते हैं तो मिस्टर राम मिस्टर मोहन होता। ओके, किरचॉफ्स लॉ एंड देयर सिग्निफिकेंस, एंड देयर सिग्निफिकेंस, फिर से एंड देयर सिग्निफिकेंस, किस तरीके से अप्लाई होगा? नो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के प्रिंसिपल्स को लेकर के
इंग्लैंड के एक प्रोफेसर हैं जिनको बीट स्टोन के नाम से जानते हो यार, बीट स्टोन। तो हम बीट स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, बीट स्टोन ब्रिज, बीट स्टोन ब्रिज के नाम से बनेंगे। और ये क्या है, ये कौन सा ब्रिज है? ये ब्रिज ऐसा है जो रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा कि चार्ज को कितना रोका गया। अच्छा, इसके अंदर भी इसको और परफेक्शन में बनाने के लिए इसके बाद हमें और चीजों को पढ़नी होगी, जैसे मीटर ब्रिज। आई रिपीट, जैसे मीटर ब्रिज, बीटस्टोन ब्रिज पढ़नी होगी, मीटर ब्रिज पढ़नी होगी। इसके अलावा जनवरी, इसके अलावा और भी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा पढ़ना हमें पोटेंशियोमीटर, क्या पढ़ना है भाई? अब ये कौन सी बता आ गई थी, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को एक डिवाइस के बारे में। हालांकि इसका आपको आपके प्रैक्टिकल में इसका रोल है, प्रैक्टिकल है आपका पोटेंशियोमीटर का। अगर पोटेंशियोमीटर की नॉलेज हो जाएगी, रिपीट, पोटेंशियोमीटर की नॉलेज अगर हो जाती है प्रॉपर वे में, तो एक और चीज को आपको समझनी होगी, याद करो। अरे यार ये काम का चीज है, इसको देखो, मजेदार टॉपिक। कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ्स, आई रिपीट, ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, राइट, कंपेयरिंग ऑफ टू सेल्स, यानी किस तरीके से और कौन कौन से सेल की बात करेंगे। तो मैं इनिशियली आपको बता रहा हूं, हम प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं। प्राइमरी सेल में किस किस सेल की हम बात करेंगे? तो प्राइमरी सेल में हम ड्राई सेल बोलेंगे, प्राइमरी सेल में हम गैनियल सेल बोलेंगे, हम प्राइमरी सेल में लेकलांचे सेल बोलेंगे। और याद रखें, इसके बारे में भी हमें समझना है, लेकलांचे सेल के बारे में, गैनियल सेल के बारे में, किस तरीके से आप बनाओगे ड्राई सेल के बारे में, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हो, राइट। इसके अलावा अगर इतनी सारी चीजें हमें मालूम चल रही है, याद रखो इसी के अंदर जब हम सारी चीजें पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगी इसके अंदर, एक और चीज आपको आना चाहिए, ईएमएफ्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, ये फोर्स है? नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसका बहुत ज्यादा रोल है किसके अंदर? इसके अंदर, मजेदार टॉपिक। अच्छा, इसके अलावा लास्ट में वही पुराना भी समीकरण डायलॉग हम लोग का, कि भाई न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना है, न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना है, यानी कि हम इन न्यूमेरिकल पोर्शन को भी ध्यान में रखेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या क्या आएगा, तो आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, आपको पता है न्यूमेरिकल्स में क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी एग्जांपलर, चैप्टर एंड क्वेश्चंस, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, राइट। जल्दी इसको नोट करो, उसके बाद थर्ड यूनिट को बताऊं।